पापा वो तो चाय पियो, पापा वो तो चाय पियो। मम्मा कितने बज रहे? साढ़े आठ। साढ़े आठ बज रहे। उठो पापा, आई आना। नहीं साढ़े पाँच। पप्पू, मेरे अच्छे क्या कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स अभी उठे हैं हस्बैंड जी और अभी बजे हैं सुबह के 9। संडे है आज, थोड़ा लेट ही उठते हैं संडे को क्योंकि उसी दिन थोड़ा सा सोने को मिलता है, नहीं तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है डेली, और रात को तो वैसे ही हमारा डेली लेट हो ही जाता है, तो संडे को थोड़ा सा सोने को मिलता है। लेकिन वो भी मेरे को तो वो भी नहीं मिलता क्योंकि अक्षु जो है ना डेली सुबह जल्दी उठ जाती है, कभी 6 बजे कभी 6:30 बजे, तो मुझे वो भी सोने को नहीं मिल पाता ठीक से। और उसके बाद जो हस्बैंड जी चले गए वॉशरूम में और सारिका और अक्षय वॉकर में खेल रही है, सारिका साइकिल चला रही है। उसके बाद मैं अपना ये बेडशीट वगैरह झाड़ने लगी थी और उसके झाड़ू लगाने लगी थी, तो अभी ना बाहर वाले रूम में मैं झाड़ू लगाने आई हूँ, तो ये देखो अक्षय बार बार मेरे पास आ रही थी। सारिका को तो मैंने अंदर भेजा, इसको अंदर छोड़ कर आई थी मैं, और ये ना वापस से इधर आ गई है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बार बार मेरे पीछे पीछे वॉकर लेके घूम रही है, इतनी फास्ट भागती है ना आजकल, ये एक पैर मारेगी और वहाँ पहुँच जाती है, डर भी लगता है कहीं गिर ना जाए। पहले तो इसको चलना नहीं आ रहा था, वॉकर में रुकती नहीं थी, लेकिन अब 2 दिन हो गए हैं, अब इतनी तेज़ भागती है वॉकर में पूछो मत, इसको ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में इधर नाश्ता बनाने के लिए झाड़ू लगाने के बाद, हस्बैंड जी नहा के आ गए हैं और पूजा कर रहे थे, और उसके बाद मैं इधर आ गई थी, सारिका कुछ बोल रही थी तो मैं उसी से बात कर रही थी अभी। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, आप भी आ जाइए कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी फ्रेंड्स न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं नाश्ता बना के इधर दे दिया था, अभी देखो सारिका नाश्ता कर रही है और पतिदेव कर रहे हैं, और ये है मेरा देवर जो आया था अभी चार्जर लेने के लिए, उसका चार्जर आज ना वहीं जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे रह गया था, तो इसलिए मेरा चार्जर लेने आया था। तो हम नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उसे बोल दिया नाश्ता करने के लिए, तो वो तीनों नाश्ता कर रहे थे, और उसके बाद मैं अपना नाश्ता बना कर आ गई हूँ करने के लिए। और ये अक्षु रो रही थी तो अक्षु को मैं गोद में लेके नाश्ता कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है कई बार तो ना, गुस्सा आने लग जाता है इसको गोद में लेके करना, रुकती नहीं ना गोद में भी, करने नहीं देती है, खाने चैन से खाने को भी नहीं मिलता मेरे को, तो पूरे दिन काम 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 बस। और उसके बाद मैं आगे थी इधर नहा करके रेडी होने के लिए थोड़ा सा, तो ये देखिए आज मेरे कुर्ता पहना है और उसके बाद वाइट लैगी पहनी है, और अभी मैं हो रही हूँ रेडी, तो लगा ली मैंने फेस पे अपनी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, बस वही लगाती हूँ, थोड़ा सा ड्राई सा लगता है ना मुझे फेस, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए उसके साथ मैं ये हनी और आलमंड का जो मॉइस्चराइज़र है ना थोड़ा सा उसमें मिक्स करके फिर लगा लेती हूँ। और अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी, तो सारिका की मैं चोटी बना रही जा रही थी, उसको तेल तो उसके पापा ने लगा दिया था, सुबह वॉश किया था ना उसका मैंने हेयर, तो उसका ऑयलिंग तो पापा ने कर दिया, उसकी चोटी बना रही थी तो भाग रही थी उधर, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पकड़ के बिठा लाया, तो अभी मैं बना रही हूँ उसकी चोटी। और अक्षु है ना उसको भी मैंने नहला दिया था और नहला के अभी सुला दिया है, वो सो रही है आराम से, जब तक मैं अभी रेडी हो गई हूँ, अभी सारिका को कर देती हूँ रेडी।
और सारिका को चोटी वगैरह बनाने के बाद मैं इधर आ गई अक्षु को डायपर पहनाने के लिए, क्योंकि उसको नहला के ना मैंने ऐसे सुला दिया था। डायपर वैसे घर में तो पहनाती नहीं हूँ, लेकिन अभी हमें जाना था तो इसलिए मैं उसे डायपर पहना रही थी अभी। देखो हम जा रहे हैं, अभी रेडी हो गए हैं थोड़ा सा घुमाई शुमाई करने के लिए, लॉक कर दिया है। और देखो हमारी साड़ी का धूप कितनी तेज हो रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ आ गए हैं फ़ोटो की शॉप में, स्टूडियो में। तो हमने ना काफ़ी टाइम से ना सारिका की फ़ोटो सेलेक्ट करके रखी है, सोचते रहते जाऊँ जा नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं उसकी आ गई हूँ शॉप पे, उसका कोलाज बनवाना था मेरे को। और उसके बाद हम ना काफ़ी घूम फिर के आए थे, लेकिन जिस काम के लिए मेन गए थे वो काम नहीं हो पाया, कोलाज तो बनने के लिए दे दिया। और ये देखिए हम लेके आए थे चाउमीन, और हस्बैंड जी को खाना था ये क्या बोलते हैं, नाम भूल जाती हूँ मैं, कुलचा, छोले कुलचे, तो वो लेके आए थे। और अभी खाने के बाद हस्बैंड जी जी देखो जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हस्बैंड जो है जा चुके हैं शॉप पे, चले गए 3 बजे जाते हैं आप लोगों को पता है, लेकिन आज हमें ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पता नहीं क्यों हमारे जो काम है ना होते होते रह जाते हैं, आज भी नहीं हो पाया काम, इतना घूमे हम लोग, लेकिन क्या करें पता नहीं कब हमारा काम हो पाएगा। तो फिलहाल हम लोग घर आ गए थे, खाना वाना खा लेता और हस्बैंड जा चुके, अब मैं इन लोगों को संभाल लूँगी, वो चले गए हैं, बाकी एक थोड़ा बहुत काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो इसके नेल्स ना कितने बड़े हो गए हैं, इस साड़ी का नेल्स बहुत बड़े हो गए, इसके नेल्स सबसे पहले मैं कट कर लेती हूँ। तो मैं अभी सारिका के नेल्स कट करने लगी, और अक्षु जो देखो हमारी कैसी मेरे को ही देख रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है हमारे पास आने की। और उसके नेल्स कट करने के बाद ना ये बर्तन मेरे रह गए थे, सुबह में बर्तन नहीं धोए थे किचन के, बाकी तो सारा काम करके चली गई थी, लेकिन ये बर्तन रह गए थे। तो अभी आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए, पता नहीं किसकी नज़र लगी है मुझे समझ नहीं आता, जो हम अच्छा करने के लिए सोचते ना कभी हमारा वो काम नहीं हो पाता, पता नहीं कब होगा, लेकिन जब वो हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो आपको सबसे पहले बताना बनता है, लेकिन जब हो जाएगा तभी मैं आपको बताऊंगी। और देखिए फ्रेंड ये है नाइट का टाइम, मतलब हस्बैंड जी आ चुके, बच्चे सारे सो चुके हैं, दोनों बच्चे सो चुके हैं, और अभी ना 10:30 बजे का टाइम होगा। तो ये देखिए ये ना जो हम कोलाज बनने को दे के आए थे, तो हस्बैंड जी लेकर आ गए थे, उसने बोला था रात को लेते जाना, तो लेकर आ गए थे। ये देखो मैं अभी इसकी को ओपन कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कैसा है, ये एक याद के लिए निशानी रह जाती है ना बचपन की, फोटो में तो फ़ोटो आती हैं लेकिन फिर भी, तो मैंने सोचा बना लेते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर। और ये जो बना के देना ये ना शीशे वाला नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसको ना उसने बोला धो भी सकते हैं, और उसने मेरे सामने जो उसके पास पहले बना रखा था उस पर पानी डाल के अच्छे से धोया भी था, लेकिन तब भी ये ख़राब नहीं हुआ है।